अक्सर विवादों में रहने वाले कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन इंदौर ने कार्रवाई करते हुए जम्बूरी हप्सी गांव में सरकारी जमीन पर बना आश्रम रविवार सुबह ढहा दिया। इस दौरान विरोध करने पर पुलिस ने बाबा सहित 7 लोगों को धारा 151 की तहत जेल भेज दिया। बाबा के आश्रम से एक 315 बोर की बंदूक और एयरगन भी मिली है। पूर्व नदी न्यास अध्यक्ष और कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करने वाले कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर इंदौर प्रशासन ने बुलडोजर चलाते हुए ध्वस्त कर दिया। कंप्यूटर बाबा यानी रामदेव दास त्यागी अपनी राजनीतिक संबंधों के कारण चर्चा में रहते हैं। हाल ही में कंप्यूटर बाबा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ सभी 28 विधानसभाओं में लोकतंत्र बचाने की यात्रा लेकर पहुंचे थे। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए बाबा को पहले नोटिस भी दिए गए थे। 2000 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश भी पारित किया गया था। बाबा ने यहां 2 एकड़ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके आश्रम शेड और पक्के निर्माण कर लिए थे। यहां एयर कंडीशन कमरे और उनमें आधुनिक सुख सुविधा का सामान जुटाकर रखा गया था। यहां 3 सर्वे नंबरों की करीब 40 एकड़ शासकीय भूमि है। वर्ष 2000 में जिला योजना समिति ने यह जमीन गौशाला के लिए दी थी। बाबा के आश्रम से एक 315 बोर की बंदूक और एयर गन भी मिली है। गांधीनगर थाना प्रभारी अनिल सिंह चौहान के मुताबिक जो हथियार जब्त हुआ है उसका लाइसेंस था। पुलिस अब इसकी वैधता सीमा की जांच कर रही है। अतिक्रमण हटाने के दौरान बाबा और उनके अनुयायियों के विरोध को भांपते हुए प्रशासन के साथ पुलिस बल भी पहुंचा। अतिक्रमण हटाने के दौरान बाबा ने कार्रवाई का विरोध किया तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस अभिरक्षा में उन्हें और 6 लोगों को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बाबा के इस अवैध निर्माण के टूटने पर कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए इसे प्रतिशोध की चरम सीमा बताया। वहीं कांग्रेस विधायक विशाल पटेल ने कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि यह मंदिर कलोता समाज का है, अगर मंदिर तोड़ने की कार्रवाई की गई तो पूरा कलोता समाज सड़क पर आकर आंदोलन करेगा। मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूँ, मुझे संज्ञान में आया है कि एक अमला सुबह जल्दी यहाँ निकला है घुमटगिरी के लिए। घुमटगिरी जो आश्रम और मंदिर का तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन मंदिर कलोता समाज का मंदिर है, वो मंदिर पूरे समाज ने बनाया है। मैं पहले भी, इसके पहले भी जब वहाँ नोटिस जारी हुए थे उस समय भी मैं कह के आया था कि अगर मंदिर की एक भी कील हिली तो कलोता समाज पूरा रोड पर आएगा, उसका उग्र आंदोलन करेगा। और जिस प्रकार से भाजपा ये गंदी राजनीति कर रही है, आश्रम तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, कॉलेजेस तोड़ना, ये गंदी राजनीति है, हीन भावना है। मैं पुनः पूरे प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी प्रकार का कलोता समाज के मंदिर को अगर थोड़ा भी हिलाया गया, एक ईंट भी हिलाई गई, तो संपूर्ण मैं ही साथ में और संपूर्ण कलोता समाज, पूरा देपालपुर विधानसभा ही नहीं, समस्त जिले के कलोता समाज के लोग रोड पर उतरेंगे और उसकी जवाबदेही पूरी की पूरी प्रशासन को होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।